कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का दायरा जो है बढ़ता जा रहा है। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में सुबह से अभी तक राजस्थान में 123 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ गए हैं। इसी के साथ राजस्थान में कुल संक्रमितों की संख्या 5083 हो गई है। जयपुर से 37, डूंगरपुर में 18, उदयपुर में भी 16 केसेस, इसके अलावा जोधपुर में 11, राजसमंद में 10, सीकर से 7 केसेस और उसके अलावा पाली से 6, बीकानेर में 5, झुंझुनू और कोटा से 2-2 क्रमशः कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। आज अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, दौसा, जालौर और करौली, साथ ही में नागौर, सवाईमाधोपुर और प्रतापगढ़ से भी 1-1 कोरोना पॉजिटिव और इसी के साथ 5000 के आंकड़े को पार कर गई है प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। राजधानी जयपुर में आज 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है और साथ ही में कोरोना की होने वाली मौतों में बढ़कर 128 हो गया है। 123 केसेस सामने आए हैं आज पूरे प्रदेश भर से। चलिए अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी लोकेश ओला न्यूज रूम से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, 123 केसेस सुबह से अभी तक प्रदेश में जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके अलावा क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, लगातार प्रदेश में कोरोना का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बात करें बीते 4 दिन की तो लगातार 200 से ऊपर बीते 4 दिन से लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। ऐसे में साथ ही साथ आज भी अब तक 2 बजे तक की बात करें तो 2 बजे तक 123 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं और प्रदेश में जो आंकड़ा है वो 5000 से ऊपर पहुंचकर अब 5083 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं बात करें तो मौतों की संख्या, तो मौतों की संख्या भी लगातार बढ़कर 128 हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश में लगातार जहाँ कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे थे पहले धीमी गति से, वो गति अब तेज होती नजर आ रही है। बात करें तो बीते 4 दिनों में लगातार इनकी 200 से ऊपर अधिक कोरोना पॉजिटिव हमारे सामने और आज 5वें दिन भी 2 बजे तक 123 कोरोना पॉजिटिव हमारे सामने आए। इन्होंने सबसे अधिक आज जयपुर में कोरोना पॉजिटिव सामने आए, जिसमें 37 आज कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और जयपुर में भी आंकड़ा बढ़कर 1553 हो चुका है। जयपुर में 2 की आज मौत भी हुई है, लेकिन बात करें तो ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे अधिक बात करें तो अब तक 2992 जो कोरोना के पॉजिटिव केस थे वो इनकी ठीक हो चुके हैं, इनकी वो नेगेटिव हो चुके हैं। इनमें से 2577 को डिस्चार्ज कर दिया गया, लिहाजा जो ग्राफ जो ठीक होने वालों का है वो बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में एक्टिव केस भी 1963 है जो अलग अलग अस्पतालों, जिला अस्पतालों में बढ़ती है। चिकित्सा विभाग की ओर से जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं उनको जो तमाम इनके इंतजाम आइसोलेट किया जा रहा है, उनको तमाम जो दवाइयाँ हैं वो दी जा रही है। साथ ही साथ में जिन इलाकों से कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ पर रैंडम सैंपलिंग भी तेजी से की जा रही है। बात करें तो आज 19 जिलों में जो 123 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए उसमें सबसे अधिक जयपुर में आए हैं, जो 37 आज जयपुर में आए हैं और इसके बाद में डूंगरपुर में आज 18 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, उदयपुर में 16, जोधपुर में 11 और राजसमंद में 10 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। बात करें तो प्रवासियों की, तो प्रवासी भी लगातार इनकी बड़ी संख्या में पॉजिटिव आ रहे हैं और अब तक 409 प्रवासी कोरोना के जो पॉजिटिव है वो मिल चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक जालौर में 63 कोरोना के जो प्रवासी है वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। यानी कि जालौर में 70 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं, जिसमें से 63 प्रवासी ही इनकी जो पॉजिटिव है वो मिल चुके हैं। इसी तरह झुंझुनू बात करें या पाली, नागौर सहित जो अन्य तमाम जो जिले हैं, जो 8 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे अधिक प्रवासी आ रहे हैं और वो अधिक पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसी को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से भी तमाम तैयारियाँ हैं वो की गई है ताकि इन कोरोना संक्रमितों से लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि प्रवासी जो बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने की जो फैसिलिटी है वो डेवलप की जा रही है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि अन्य लोगों में संक्रमण ना फैले। बात करें जयपुर को, जयपुर में आज जो 37 आए हैं उनमें से 14 जो जेल से सामने आए हैं, जिसमें 12 सेंट्रल जेल और 2 जयपुर डिस्ट्रिक्ट जेल से पॉजिटिव मिले। जयपुर डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेल को मिलाकर अब तक करीब 142 लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, यानी कि जयपुर जेल और सेंट्रल जेल से 142 कोरोना पॉजिटिव वो पॉजिटिव मिल चुके हैं। ऐसे में जेल में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आने के चलते वहाँ पर भी रैंडम सैंपलिंग है वो तेजी से बढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ वहाँ पर भी आइसोलेट वार्ड बनाकर उनको उपचार दिया जा रहा है। जो कैदी है उनको आइसोलेशन वार्ड में वहीं पे जेल में ही शिफ्ट किया जा रहा है, साथ ही साथ SMS अस्पताल से वहाँ के लिए स्टाफ और वार्ड बॉय से डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि उनको समुचित इलाज मिल सके। इसी तरह बात करें तो रामगंज क्षेत्र में जो जयपुर का जो सबसे अधिक स्प्रेड, जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव सबसे अधिक आ रहे थे वहाँ पर जो अब धीमी गति से सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पॉजिटिव संख्या है वो कम हो रही है। लेकिन बात करें तो जयपुर के अन्य
अन्य शहर के अन्य क्षेत्रों की, तो वहाँ पर भी तेजी से अलग अलग क्षेत्रों में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसे में सामान्य प्रताप नगर या जोठवाड़ा बात करें या सोडाला में भी लगातार अभी पॉजिटिव मरीज सामने आए। शास्त्री नगर नारिका नाका से भी लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। तो जयपुर में भी चिंता की जो लकीरें हैं वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। जी लोकेश, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से आज जो है लॉकडाउन 3 की जो आज मियाद है वो खत्म होने वाली है, लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस का यहाँ हम सभी को इंतजार है, क्या नए रंग रूप से ये गाइडलाइंस यहाँ पर जारी होने वाली है। इसी बीच राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान में जनता को राहत देने के लिए बीते कुछ दिनों में ग्रीन जो जोन है वहां पर राहत तो दी जा चुकी है, कंटेनमेंट जो जोन है और जीरो मोबिलिटी वाले जो क्षेत्र है उनको छोड़कर सभी को राहत दी गई है। तो आप क्या कहेंगे, जनता का किस प्रकार से रिस्पॉन्स अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कहा जा सकता है कि जो रियायतें हैं उन्हें बढ़ाया जा सकता है और संक्रमितों की संख्या भी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन किस तरीके से इस रणनीति को बनाएगा कि लोगों में संक्रमण भी ना फैले और लोग अपनी अपनी रियायतों को और जितनी भी उनको छूट दी गई है उनको भी अपना सके। जी बिल्कुल, ये तो साफ है कि लॉकडाउन 4 बिल जरूर आएगा और उसी को लेकर जो तमाम तैयारियां सरकार की ओर से हो चुकी है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अब तक 31 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। रहे दो जिले जो गंगानगर और बूंदी में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आया। ऐसे में वहाँ पर कुछ इनकी जो राहत पूरी तरीके से वो मिल सकती है, हालांकि जो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क जो तमाम जो COVID-19 के जो बचाव और जो गाइडलाइन है उसका तो पालन करना होगा। लेकिन बात करें अन्य जिलों की, तो अन्य जिलों में भी हमेशा जो प्रतिदिन की बात करें तो हमेशा 20 से अधिक इनकी जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, पाली सहित अब जालौर में भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो ऐसे जो जिले हैं जिनमें लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उनमें कुछ इनकी जो राहत हल्की राहत दी जा सकती है, उनको लेकर जनता की भी जो मांग है कि अब उनको हल्की राहत दी जाए, जो जरूरी सामान है, जो अर्थव्यवस्था वो चला जाए, इन सभी बातों को लेकर जो सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। रही बात जो रेड जोन क्षेत्र है जहाँ पे अधिक कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और वो जहाँ वहाँ पर भी जो कुछ जो कर्फ्यू जैसे जहाँ लगे हुए हैं वहाँ की जो राहत है वो अभी इनकी नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि लगातार जहाँ कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ पर अगर राहत दी जाती है तो कोरोना और संक्रमित इनके और फैलने की वहाँ पर इनकी जो तमाम जो कोशिश है वो जारी रहेगी। साथ ही साथ बात करें तो रेड जोन क्षेत्रों में जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और या फिर लॉकडाउन 4 के दौरान जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और जहाँ पॉजिटिव मिल रहे हैं वहाँ पर जो तमाम जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश है वो की जा सकेगी लॉकडाउन 4 के दौरान। और हालांकि अभी भी जयपुर शहर की बात करें तो जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, जयपुर शहर के साथ साथ जो प्रदेश के जहाँ जहाँ जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ पर पहले कर्फ्यू लगाया जा रहा है, उस एरिया को सीज किया जा रहा है ताकि वहाँ से अन्य लोग बाहर नहीं जाए और संक्रमण नहीं फैले। इन तमाम बातों को लेकर लॉकडाउन 4 में भी ऐसी ही कुछ जो नियम है वो जारी रहने की जो कायदे है वो लगाई जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।